महाराजगंज के चुटुबारी थाना क्षेत्र में बीते 3 अगस्त को पुलिस और एसएसपी की संयुक्त टीम में छापेमारी के दौरान 686 करोड़ की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई थी। अब मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फरार मुख्य आरोपी को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उसने कई अहम जानकारी दी है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बीते 3 अगस्त को पुलिस और एसएसपी को सूचना मिली थी कि ठिठुरीबारी थाना क्षेत्र के जमुई कला गांव में एक मकान और गोदाम में कुछ अवैध सामान रखा हुआ है, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की तो सभी के होश उड़ गए। मौके से करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, नकली रैपर सहित कई प्रतिबंधित चीजें बरामद हुई थी। ड्रग विभाग की टीम ने बरामद दवाओं का आकलन शुरू किया तो पता चला कि उसकी कीमत 686 करोड़ से भी ज्यादा है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त गोविंद गुप्ता मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 के नाम घोषित किया था, साथ ही कई टीमों को भी उसकी तलाश में लगाया गया था। अब मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी गोविंद को नेपाल जाते समय बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुख्य अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में नशे के इस कारोबार से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी किया गया। माना जा रहा है कि नशे के कारोबार से जुड़े कई सफेदपोशा भी जल्द ही सलाखों के पीछे आ सकते हैं। कहां से ये लाते थे आप पूरा जो है दवा और कहां बेचते थे? सिसवा से दवा मेरे वहां आता था, सप्लाई करते थे लोग, 3 मेडिकल स्टोर वाले और एक आदमी गोरखपुर का था, अंकित सिंह जी। अच्छा, ये रैपर कहां से आप लोग लाते थे? वो अंकित सिंह अवेलेबल कराते थे। वो बदलने पीछे कारण क्या था? वो कस्टमरों का डिमांड जो था वही मतलब। अच्छा, ये बताइए एक्सपायर दवाओं को भी लाते थे आप? जी नहीं, नहीं उसमें मोटिव ये था कि अधिक दाम में आप बेच सकें? नहीं, अधिक दाम बेचने का नहीं था। हाँ। वो डिमांड था कि इस तरह की रैपर हमको चाहिए। अच्छा, रैपर की डिमांड के हिसाब से आप रैपर अपने हिसाब से बना लेते? हम नहीं बनाते थे, वो बनाता था। अच्छा, इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, इससे पहले क्या कभी विभाग की कोई छापेमारी, ड्रग विभाग की कोई छापेमारी आपके यहाँ हुई थी कभी? हाँ, दुकान पे हुई थी। मामले में एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त भारत से नेपाल भागने की फिराक में था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो 6 एजेंसियों से दवाओं की खरीद फरोख्त करता था। जिसमें से 4 महाराजगंज की जबकि 2 गोरखपुर की है। नकली रैपर बनाने वाले की भी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 तारीख को ठुठीबारी पुलिस और एसएसबी के द्वारा एक प्रतिबंधित नशीली दवाओं का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। इसका जो मुख्य अभियुक्त गोविंद गुप्ता था वो फरार चल रहा था, उसमें 25,000 का इनाम घोषित था, इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने 6 एजेंसीज के नाम बताए हैं, जिसमें 4 एजेंसी महाराजगंज की हैं, 2 एजेंसी गोरखपुर की हैं जिनसे ये सप्लाई लेता था। एक व्यक्ति का नाम बताया है जिससे ये नकली रैपर वगैरह लेके लगाता था, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है। जिन जिन एजेंसी से इसने दवाएं आदि खरीदी हैं, किस तरह खरीदी हैं, बिल को दे के खरीदी हैं या गलत तरीके से खरीदी हैं, एसआईटी पूछताछ करके इसमें आगे कार्रवाई करेगी। महाराजगंज का ये पूरा मामला है जहां पर प्रतिबंधित चीजों की बरामदगी हुई है, जहां पर इस बड़े पैमाने पर कुछ लोगों द्वारा इन प्रतिबंधित चीजों को इकट्ठा करके रखा गया, साथ ही साथ आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी की गई। ये तो वक्त रहते पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, वरना एक बड़ा हादसा
या बड़ा नुकसान हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।